कांकेर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गिरोह के दो आरोपी महाराष्ट्र से हुए गिरफ्तार। प्रार्थी लक्ष्मण मांडवी सरपंच ग्राम पंचायत मरोड़ा के घर एक वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के कुछ लोग आए और उन्हें बोले कि उनके घर में सोना आदि गुप्त धन गड़ा रखा है, जिसे वो लोकतंत्र मंत्र व दिव्य शक्ति के माध्यम से निकाल सकते हैं। यदि गड़ा हुआ पुराना धन नहीं निकालोगे तो आपके घर में आकस्मिक मृत्यु होगी। गड़ा धन निकालने के लिए मंत्र तंत्र जादू टोना करने के नाम पर सात आरोपियों परवीन सेंगर, अरविंद सेंगर, बंडू शिंदे, युवराज शिंदे, हरिलाल जगताप, रामकृष्ण झाड़ेकर, साहब राव सेंगर, सभी निवासी जिला यवतमाल महाराष्ट्र, ने प्रार्थी लक्ष्मण मांडवी से 7 लाख रुपए की ठगी की। प्रार्थी लक्ष्मण मांडवी की रिपोर्ट पर थाना बांदे में अपराध क्रमांक 73/2024 धारा 448, 420, 147 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपियों की पतारसी की जा रही थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकीर सिंह आई के ऐसे एलेसेला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकाजूर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंकाजूर रवि कजूर, थाना प्रभारी बांदे जितेंद्र साहू के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना बांदे से टीम महाराष्ट्र भेजी गई। टीम ने जीवली चंद्रपुर से दो आरोपियों बंडू शिंदे और हीरालाल जगताप को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और थाना बांदे लेकर आए। दोनों अपराधियों को आज न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कांकेर जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रसाद मिश्रा।